गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री एंड वी वर डूइंग लेसन नंबर 3, जिसमें हम जो आपके मोल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस थे, एवोगैड्रो नंबर, एटम्स एंड मोल्स में जो रिलेशन था उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे हम। आज भी हम वही करेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 12.046 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम। हीलियम के इतने एटम्स में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है ये हमें निकालना है। तो 1 मोल ऑफ हीलियम में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, एवोगैड्रो नंबर, ये हमें पता है। तो 1 मोल ऑफ हीलियम एटम इज इक्वल टू 6.022 × 10²³ एटम्स, ये हमें पता है। ठीक है, हमें इतने नंबर ऑफ एटम हीलियम में मोल्स निकालने हैं। तो 6.022 एटम्स में कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, 1 मोल। ठीक है, 1 मोल ही होता है ना, 1 मोल ऑफ हीलियम। तो क्वाड्रेट मेथड लगा सकते हैं इस पे, 6.022 × 10²³ एटम्स प्रेजेंट इन इज इक्वल टू 1 मोल। तो कितने एटम है, 12.046 × 10²³, यहाँ पर लिखा नहीं है, 10³ एटम्स प्रेजेंट इन, कितना आएगा, 1, यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है उसको ऊपर लिखते हैं और यहाँ पे जो प्रेजेंट था वो नीचे आ जाता है, 6.022 × 10²³, और जो यहाँ पर होता है उसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं हम। कैसे लिखेंगे, 12.046 × 10²³, ये है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया ये, उसके बाद इसको हम कट कर देंगे, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर इज़ 2 मोल। फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, 2 मोल। एक बार दोबारा से देखो, 1 मोल ऑफ हीलियम एटम इज इक्वल टू 6.022 × 10²³ एटम्स। ठीक है, ये यूनिवर्सल है, हमें पता है। इतने एटम्स में 1 मोल होता है तो इतने नंबर ऑफ एटम्स में कितना होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 मोल्स आ गया। ठीक है, 2 मोल्स आ गया आंसर, आंसर विल बी 2 मोल। ठीक है, आंसर आ जाएगा 2 मोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल। पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है हमेशा, 1 मोल का। 1 मोल किसी भी चीज़ का, 1 मोल किसके, किसी भी चीज़ का 1 मोल के पार्टिकल, एटम्स या फिर आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। ये अब तक हमने रीड करा है और अब तक हमने न्यूमेरिकल में कैलकुलेट किया है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल, एटॉमिक मास इज 16U। एटॉमिक मास कितना गिवन है, 16 गिवन है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे, नंबर ऑफ पार्टिकल बताने हैं आपको, तो 1 मोल ऑफ कौन सा एटम है आपका, ये ऑक्सीजन, कितने पार्टिकल के बराबर होगा, 6.022 × 10²³ पार्टिकल्स। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, इक्वल टू 1, इसके एटॉमिक मास के, कितना एटॉमिक मास, 16 ग्राम लिख लो या यू लिख लो। तो 16 ग्राम एक ऑक्सीजन एटम का है, ये कितने हैं, 2 हैं ना, तो 2 का कितना हो जाएगा, 32 ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास हो गया इसका, क्योंकि मॉलिक्यूल बन गया ना ये O2 मिलके, तो मॉलिक्यूलर मास है ये, एक एटम का ही एटॉमिक मास है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर मास हो गया, 1 मोल किसके इक्वल है, 32 ग्राम के, और 32 ग्राम किसके इक्वल है, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। ठीक है, तो 32 ग्राम्स में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो 8 ग्राम में कितने होंगे, देखिए जरा, ये हो चुका, इसको इरेज कर देते हैं,
यहाँ पे सॉल्व करिए। थर्टी टू ग्राम ऑफ ओ टू मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10^23 पार्टिकल्स। तो कितना निकालना है हमें, 8 ग्राम का निकालना है। 8 ग्राम ऑफ ओ टू मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10^23 डिवाइडेड बाई, ये यहाँ लिखते हैं, जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसको नीचे लिखते हैं और जो इधर होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 4 और जितना कटता है उसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे, ठीक है। जितना कटता है उसको हम काट देंगे और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1.5। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए आपके 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको मॉलिक्यूलर बेस पे मॉलिक्यूलर वैल्यूज़ निकालने के लिए आते रहेंगे, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम हमारा जो मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक है उसको ख़त्म करेंगे, उसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आपका 3rd चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। 3rd वो होगा जो आपका चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सॉरी 4th, उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम। कैलकुलेट द मास ऑफ 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम। एल्यूमिनियम एटम के 4 मोल का मास कैलकुलेट करना है हमें। 1 एल्यूमिनियम एटम का कितना, 1 मोल एल्यूमिनियम एटम का कितना एटॉमिक मास होता है, ये आपको गिवन होगा, ठीक है। 1 मोल एटॉमिक मास कितना गिवन होगा एल्यूमिनियम का, आपका होता है 27, ठीक है, ये आपको गिवन होगा। तो 1 मोल का एटॉमिक मास है आपका 27, तो आपका कितना निकालना है, 4 मोल का आपको निकालना है 27, ये यहाँ लिखते हैं, जो यहाँ पर आता है उसको डिवाइड मल्टीप्लाई 4, 108 यू आ गया आंसर आपका, ठीक है, ग्राम। तो 4 मोल में कितने आ गए, 108 ग्राम आंसर आ गया आपका। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आप कैलकुलेट कैलकुलेशन में आपको दिए जाएंगे और आपको कैलकुलेट करने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स एवोगैड्रो नंबर का क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।